मक्का मौला चारों में मौला चारों में मौला चारों में मौला स्वागत आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है पूरे दुनिया के लिए दोस्तों। तो आज 12 रबी अव्वल की रात लग गई है और आज के दिन हमारे बरेली शहर में बहुत ही धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है। और अभी पूरा शहर बहुत अच्छे से डेकोरेट हो गया और आज जुलूस निकलेगा और हम भी वहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको दिखाएंगे किस तरह से जुलूस निकाला जाता है 12 रबी अव्वल में। और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी हम अमर उजाला की आपको डेकोरेशन दिखाते हैं। कल मैं आपको दिखा नहीं पाया था दोस्तों, तो अभी वो लाइटिंग जल रही होंगी, तो आइए चलते हैं। और अभी हम लोग चल दिए हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं हमारे एरिया का माहौल। और अभी ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये स्टेज लगा दिया गया है अंजुमनों का स्वागत करने के लिए, जुलूसों का। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा महंगी डेकोरेशन करा रखी है यहाँ पर। और अभी जुलूस तैयार हो रहा है जाने के लिए। और देख सकते हैं कितने अभी भीड़ भाड़ भी है काफ़ी रोड पर। और ये जुलूस तैयार हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जुलूस तैयार हो रहा है। अभी ये जाएगा और अभी साफे बन रहे हैं लोगों के और ये साउंड बन रहा है जुलूस का। और बहुत ही प्यारा माहौल है अभी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं अभी यहाँ बच्चे भी जाने के लिए रेडी हैं जुलूस में। और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, ईद मिलाद नबी, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दरगाह है, दरगाह तहसीन मिल्लत साहब की दरगाह, वो भी बहुत अच्छी डेकोरेट हो रखी है। और हमारे तौसीफ भाई की दुकान भी अभी सज रही है। और अभी सब कुछ माहौल बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। और मैं आपको स्टेज दिखाऊँगा कैसा स्टेज है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेज है जुलूस का स्वागत करने के लिए। और काफ़ी इनामात दिए जाते हैं जुलूस को यहाँ पर, काफ़ी तोहफे दिए जाते हैं जो कि रखे हुए हैं सामने। और प्रशासन काफ़ी यहाँ पर तैनात है अभी। और दोस्तों अभी हम तैयार हो गए जुलूस में जाने के लिए। और अभी हम लोग गेटअप देख सकते हैं, अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। अब हम जुलूस में जाएंगे, पहले अमर उजाला जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ की कैसी तैयारी है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अमर उजाला की तरफ जा रहे हैं, कल आपको डेकोरेशन नहीं दिखा पाए थे वहाँ की, तो आप दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अमर उजाला की। और दोस्तों ये शहजादा वाली सरकार दरगाह, और ये भी सजा दी गई है बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है। और यहाँ चादर फूल की दुकान सब कुछ है। और अभी कभी भी दरगाह पर आएँ आप तो यहाँ से चादर फूल वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अमर उजाला का रोड है और यहाँ पर बहुत सी डेकोरेशन हो रखी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। और ये रोड बहुत अहम है बरेली शहर में और बारहवीं शरीफ पे हर साल की तरह इस साल भी ये रोड सजाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अभी ट्रैफिक भी है यहाँ पर रोड पर। और अभी जब जुलूस जाएंगे यहाँ से तो दोस्तों अभी ये ट्रैफिक कम हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा ये रास्ता। और अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये स्टेज लगा दिया गया है आगे, ये अंजुमनों का इस्तकबाल के लिए लगाया गया है, अंजुमनों का स्वागत के लिए लगा रखा है दोस्तों। और ये बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुई है यहाँ पर हर साल की तरह दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये अमर उजाला का प्रेस का गेट है दोस्तों। और ये स्टेज टाइप का कुछ बना दिया है इस जगह पर और काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग फोटोज़ भी ले रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। और अभी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और लोगों ने अपनी बाइक भी सजा रखी है, ये जुलूस में जाने के लिए बाइक है। अभी हम जुलूस में भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसा है वहाँ पर। और दोस्तों ये स्टेज देख सकते हैं, ये यहाँ लगा रखा, अभी यहाँ तैयारी हो रही है। और अभी अंजुमन आएंगी थोड़ी देर बाद यहाँ पर। और अभी हम वापस जा रहे हैं सैलानी पर, सैलानी पर जुलूस जाता है वहीं पर स्टेज है वहाँ पर। और इनामात दिए जाते हैं अंजुमनों को, और फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज़ करके यहाँ पर इनामात दिए जाते हैं अंजुमनों को। और जैसी जिसकी अंजुमन होती है उस हिसाब से उसे इनाम दिया जाता है। और दोस्तों इसीलिए यहाँ हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है बरेली शहर में।
तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं, हमने आपको अमर उजाला दिखा लिया, बहुत अच्छे से डेकोरेशन यहाँ हो रखी है दोस्तों। अब हम वापस जा रहे हैं, जुलूस में शामिल होंगे, तो आइए जुलूस में चलते हैं। अभी हम अपनी एक्टिवा पार्किंग में लगा कर आएंगे और हम जुलूस में पैदल जाएंगे, तो पैदल कवर करेंगे सब कुछ, और जाम लग जाता है काफ़ी सारा जुलूस में, तो अभी हम पैदल जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों अभी हम अपनी एक्टिवा लगाएंगे पार्किंग में, तो फाइनली अब हम जुलूस में जा रहे हैं दोस्तों। और जुलूस आज पुराने शहर का जुलूस है, सैलानी से होते हुए और पूरे शहर में आज घूमेगा, पूरा पुराना शहर आज घूमेगा जुलूस, हम वहीं पे जा रहे हैं, तो अभी आज आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग दरगाह, ये दरगाह हुजूर तहसीन मिल्लत साहब की दरगाह है, और ये बहुत ही फेमस दरगाह है बरेली में, और यहाँ पे भी बहुत धूमधाम से होता है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे भी। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी एक दरगाह है हुजूर अमीन शरीयत साहब की दरगाह, जो कि इस रोड पर पड़ती है और जो कि इनके भाई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हुजूर अमीन शरीयत साहब की दरगाह है, बहुत खूबसूरत दरगाह है, ये बहुत खूबसूरत अंदर से दरगाह है दोस्तों, और मैं आपको फुल ब्लॉग भी दूंगा यहाँ का, और बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे भी, देख सकते हैं लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी लगा रखी है, और अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखी है दरगाह माशाल्लाह। और ये गेट देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये गेट, और नक्काशी का काम किया हुआ है, नक्काशी का काम बहुत अच्छे से किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी नक्काशी करी हुई है गेट पर, और गेट भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं मिरर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है दरगाह पर, और मैं आपको फुल ब्लॉग दूंगा अंदर का। तो दोस्तों अभी हम दरगाह की तरफ से आए हैं, अब हम जा रहे हैं सैलानी और जुलूस में शामिल होंगे वहाँ से, तो अब जुलूस की तरफ चलते हैं दोस्तों। और ये जुलूस जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, ये सैलानी पर जा रहा है दोस्तों, और सैलानी में स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे इनामात दिए जाते हैं जुलूसों को, अभी ये वहीं पर जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी हैं जुलूस में, और बहुत बड़ी अंजुमन है दोस्तों ये। और फाइनली एक आगे छोटा सा साउंड सिस्टम तैयार हो रहा है, और बड़े साउंड सिस्टम मना कर दिए गए हैं दरगाह की तरफ से, तो इसलिए छोटे छोटे साउंड सिस्टम है अभी। तो फाइनली दोस्तों हम सैलानी पर पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुलूस जा रहा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, तो बैक कैमरे से अपने, तो आइए दिखाता हूँ। ये जुलूस जा रहा है दोस्तों, और देख सकते हैं आप लोग साउंड है यहाँ पे, साउंड फंस रहा है थोड़ा, रोक लो। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे, और काफी ज्यादा जुलूस निकल रहे हैं अभी, और ये देख सकते हैं ये अभी साउंड फंस रहा है यहाँ पर, और ये अंदर से आया, और आगे भी काफी सारे जुलूस हैं, देख सकते हैं आप लोग, अभी हम और आगे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे और तरीके के जुलूस क्या कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी छोटी बच्ची है यहाँ पर, कुछ मैसेज दे रही है, और अंजुमन का नाम है अंजुमन, तो ध्यान रखिए जो डिसिप्लिन आपका यहाँ पर हो वही पूरे रास्ते होना चाहिए। और बहुत अच्छे डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग्स में, जो कि दो ब्लॉग मैंने डाले हैं उसमें यहाँ की डेकोरेशन डाली है। और ये देख सकते हैं अभी अंजुमन आना शुरू हुई है यहाँ पर, और अभी अंजुमन आएंगी, थोड़ी रात होगी तब उसके बाद अंजुमन आएंगी, और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी 9 बज रहे हैं और 12 बजे के टाइम लगभग अंजुमन आएंगी। तो यहाँ भी एक स्टेज लगा हुआ है, और ये मेन स्टेज है, यहाँ से इनामात दिए जाते हैं, और ये मेन स्टेज है यहाँ का, यहाँ पे सिलेक्ट होती हैं अंजुमन, सिलेक्ट होती हैं कि किसको इनाम दिया जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी फूलों से स्वागत किया जाएगा सारे जुलूसों का, और अभी जुलूस आने वाले हैं यहाँ पर, और आगे भी जुलूस हैं जो कि अभी जा रहे हैं यहाँ से, और अभी ज़्यादा रात होगी तो अभी ज़्यादा जुलूसों की तादाद बढ़ेगी, अभी लोग निकले नहीं हैं अपने घरों से, जुलूस निकले नहीं हैं अभी। और ये मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद का नाम है हरी मस्जिद,
यही बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखी है। और अभी देख सकते हैं आप लोग, ये एक अंजुमन आगे से आ रही है, जगतपुर की तरफ से अंजुमन आ रही है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी लंबी अंजुमन है ये, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ी अंजुमन है ये। छोटे छोटे बच्चे बग्घी में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी बाइक सजा रखी है लोगों ने, देख सकते हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा बड़ी एंजॉयमेंट है ये। ये बोट है एंजॉयमेंट का दोस्तों, और ये देख सकते हैं एक और एंजॉयमेंट है इसके पीछे, और ये अलग अलग एरियो की एंजॉयमेंट है यहाँ पर। और ये जगतपुर का दोस्तों सामने देख सकते हैं आप, ये चौराहा है जगतपुर का, और यहाँ भी स्टेज लगा रखा है और काफ़ी एंजॉयमेंट जा रही है यहाँ पर, और काफ़ी सिक्योरिटी का काफ़ी ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी एंजॉयमेंट है, अलग अलग मोहल्ले की एंजॉयमेंट है यहाँ पर, हर मोहल्ले से अलग अलग एंजॉयमेंट जाती हैं यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी हो रही है तो अभी पानी के पीने के लिए यहाँ रुके हैं, और वाटर कूलर काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये मस्जिद बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, और मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगा आपको किस तरह का व्यू है। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी मस्जिद डेकोरेट हो रखी है यहाँ पर। देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये मस्जिद जानखा मस्जिद बोलते हैं इसको, और ये फ्रंट साइड है मस्जिद की, जो गेट है।
कैसी है देख सकते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत लग रही है अंदर से। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। अंदर भी दिखाता हूँ मैं, मेंबर शरीफ दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये। फाइनली दोस्तों मस्जिद बहुत अच्छी सजी हुई है यहाँ पर, ये जानखा मस्जिद कहलाती है और बहुत अच्छी सजी हुई है। अभी हम अंदर से आए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें अंदर जाने के बाद। अब हम जा रहे हैं यमन की तरफ, जुलूस की तरफ, जो कि जुलूस अभी और ज़्यादा जाएंगे तो अभी भीड़ हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा, तो चलिए दोस्तों। अभी हम कोर्ट के कब्रिस्तान के पास आ गए हैं और यहाँ काफ़ी सारे स्टेज लगे हुए हैं यमन के इस्तकबाल के लिए, और अभी हम जाएंगे अभी सैलानी की तरफ और दिखाएंगे आपको कैसा करके वहाँ पे यमन का इस्तकबाल किया जा रहा है। तो अभी हम सैलानी की तरफ वापस जा रहे हैं, अभी हम सैलानी से ही आए हैं, अब दोबारा सैलानी पर जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है काबा शरीफ, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कार सजाई गई है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी देख सकते हैं शैताना चौराहे पर भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी, और अभी ये अंजुमन देखने के लिए पब्लिक है यहाँ पर, और अभी लोग छतों पर अपने चढ़ गए हैं और माशाल्लाह लोगों ने घर भी बहुत अच्छे सजाए हैं यहाँ पर। शरबत की सबील लगा दी गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, शरबत यहाँ पिलाया जा रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी, और देख सकते हैं आप लोग ये सैदाना दरगाह के सामने वाला एरिया है, और दरगाह आप देख सकते हैं वो दरगाह है सामने, और ये शरबत पिलाया जा रहा है यहाँ पर। और अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, और अभी देख सकते हैं 10:52 दोस्तों यमनों का इस्तकबाल होने लगा है। अभी हम सैदाना पुल के नीचे हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, अभी हम आगे की तरफ जाएंगे, और अभी यमन है काफ़ी, और लोग बाइक से स्टैंड भी कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, तो चलिए चलते हैं। और फाइनली यहाँ पे एक जुलूस है दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग सैलानी के एरिया पे आ गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुलूस है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और काफ़ी एरियों से जुलूस आए हैं, काफ़ी मोहल्ले से जुलूस आए हैं यहाँ पर, और जुलूसों की तादाद बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और पूरे लाइन से यहाँ पर जुलूस हैं।
दोस्तों अभी हमें सैलानी पर और यहाँ पर काफी ज्यादा जुलूस है। अभी हम काफी जुलूसों को देखते हुए जा रहे हैं और कैमरे में अपने कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पब्लिक है और काफी ज्यादा भीड़ है दोस्तों। तो आगे ही मैं आपको दिखाऊंगा, तो आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे भी बहुत ज्यादा जुलूस है, देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर अभी, और काफी अच्छे साउंड सिस्टम आए हुए हैं। और सुबह अल्लाह दरगाह भी बहुत अच्छे सजाई गई है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं सैलानी पर दरगाह है। और दोस्तों अंजुमन का आप साफा देख सकते हैं, गौसे पाक के गुम्बद कितना है, बिल्कुल साफा जैसे गौसे पाक का गुम्बद है, उसी नक्शे में इनका साफा है, वैसे ही डिज़ाइन हुआ हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इनका साफा मुझे, और आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और बहुत प्यारा जुलूस है ये भी, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग इनकी ड्रेस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और आगे भी अंजुमन है। और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है अभी, और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और काफ़ी दूर दूर से जुलूस आए हैं यहाँ पर। और एक स्टेज और आया है यहाँ पर, कुरान हदीये किए जा रहे हैं लोगों को, और हर अंजुमन को तोहफा मिलता है, वो भी कुरान मजीद, इससे अच्छा तोहफा क्या होगा लोगों के लिए। दोस्तों अभी हम भीड़ के पार करके आ गए हैं, अभी आगे और अंजुमन मिलेंगी हमें, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और अभी हम आगे की तरफ आ गए हैं, और आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस कैसी भीड़ है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पानी के लिए काफ़ी इंतज़ाम कर रखा है, और बहुत स्वाभाविक काम है, और चाय भी है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ चाय भी पिलाई जा रही है दोस्तों।
सिलसिला दोस्तों अभी भी जारी है, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जुलूस है देख सकते हैं आप लोग, और काफी ज्यादा इसमें भी भीड़ है, काफी ज्यादा लोग हैं इसमें जीवन में, और देख सकते हैं ये स्टेज है, मेन स्टेज पर हम आ गए फाइनली दोस्तों, और ये मेन स्टेज है यहाँ पे इनामात दिए जाते हैं। और इस अंजुमन का अमामा शरीफ आप देख सकते हैं, हुजूर आला हजरत के गुम्बद शरीफ की तरह है, बिल्कुल साफ है देख सकते हैं आप, साफ है, और बाकी ड्रेस भी हुजूर आला हजरत के गुम्बद शरीफ की तरह है। और दोस्तों एक स्टेज ये लगा दिया गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी अंजुमनें आ रही हैं जो कि सैलानी से भी आ रही हैं, और यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है अंजुमनों का, और अभी देख सकते हैं आप लोग, और अभी अंजुमन यहाँ पर आ गई है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। और दोस्तों अभी रास्ता थोड़ा छोटा हो गया है, पहले चौड़ा रोड था, थोड़ा पतला रास्ता हो गया है, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे भी काफ़ी
फाइनली दोस्तों सारे जुलूस कंप्लीट हो गए हैं और सब लोग अपने अपनी जगह पर चले गए हैं और अभी एंड हो गया, अभी टाइम ज़्यादा हो गया, अभी 1 बज रहा है रात का और अभी फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी मैं भी घर जा रहा हूँ अपने और मिलता हूँ आपको कल के दिन। कल का दिन कुछ ज़्यादा खास है दोस्तों, कल मेन पार्ट है ब्लॉग का, तो इसके साथ मैं मिलता हूँ आपको कल। कल बारहवीं शरीफ है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं आपको। तो फाइनली ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, तो इसके साथ बाय दोस्तों।